जैसे कौन ऐसा घर ऐसा है जिसमें कि कुछ कुछ ही घर होते हैं जिसमें कि चाचा जो है अपने भाई से नहीं लड़ते हैं, सब घर में तो लड़ाई हो भी ना करता है तो पहुंचाने में। हाँ, क्योंकि अगर देखिए अगर वो नहीं होते तो थोड़ी ना कोई ले जाने वाला था, इधर उधर ही जाकर के रह जाते और क्या। सोनू इधर उधर रह जाता है ऐसा थोड़ी। अगर हम शॉर्ट में आपसे कहें कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें तो किस तरीके से देंगे? तो मम्मी पापा तो अनपढ़ है ना भाई, अनएजुकेटेड है, तो चाचा एजुकेटेड है तो जो है इस चीज को देखे, क्योंकि इन लोगों का क्या है कुछ नहीं। अच्छा, जब आप बिहार से कोटा राजस्थान गए, एलएन में गए, दिल मन वगैरह लग रहा था, यूं कह लीजिए तो कितना कुछ बदला अब पहले वाले सोनू में और अब वाले सोनू में कितना कुछ बदला, थोड़ा डिटेल में बताइए। मतलब है क्या, बहुत ज्यादा है। क्या कर रहे हैं वो सब जानेंगे ना, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे तो वो सब जानेंगे। आने के बाद सबसे ज्यादा प्यार किसका मिल रहा है? अब ये सवाल छोड़ करके कुछ सवाल ये है ना कि बेटा 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 पढ़ाई करके अपने घर लौटा है, सब जानेंगे ना, हम थोड़ी ना जानेंगे। पिछले एक साल पहले जिस तरीके से सोनू अपने बेबाकी अंदाज को लेकर चर्चा में आया था और अब बिहार वो अपना घर पहुंचा है, एलएन में पढ़ाई करता है, कुल मिलाकर कहे तो सब कुछ बदला, चेहरा बदला, हर कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। अब लगता है हम नए सोनू से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोनू, कैसे हो? थैंक यू। अच्छे अच्छे हो, गर्मी से परेशान दिख रहे हो। कितना कुछ बदला सोनू का? सब कुछ बदल ही रहा है धीरे 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 धीरे। अगर यूं कह लीजिए तो कितना कुछ बदला अब पहले वाले सोनू में और अब वाले सोनू में कितना कुछ बदला, थोड़ा डिटेल में बताइए। मतलब है ना कि डिटेल, इसमें क्या डिटेल है, वो तो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल गई है। घर कब आए? एक तारीख को। एक तारीख को। क्या माहौल है घर का अभी? अच्छा, मम्मी पापा लोग क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी ना जानूंगा। कुछ तो कह रहे हो ना, बेटा बदल गया बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हैं वो सब जानेंगे ना, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे तो वो सब जानेंगे। आने के बाद सबसे ज्यादा प्यार किसका मिल रहा है? अब ये सवाल छोड़ करके कुछ सवाल ये है ना कि बेटा 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 पढ़ाई करके अपने घर लौटा है, सब जानेंगे ना, हम थोड़ी ना जानेंगे। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उसमें। अच्छा, क्या क्या लग रहा है घर आए हैं तो? अच्छा ही लग रहा है सब कुछ मुझे तो, बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि आप अपनी पढ़ाई एलएन में कर रहे हैं, सुबह की शुरुआत आप वहाँ किस तरीके से करते हैं? सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश होना, बस ये स्टार्टअप रहता है। पढ़ाई कितने घंटे होती है? 10-11 हो जाते हैं। रात या दिन? दिन के हिसाब से, और थोड़ा आधा रात भी हो जाता है। रात मतलब रात 11 बजे तक। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर क्या है तो जो पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है वो बड़ा टाइट होता है। अच्छा, जब आप यहाँ से गए थे एलएन, जब अपनी पढ़ाई को लेकर गए थे तो उस वक्त तो एक नया चेहरा रहा होगा स्कूल का, लुक किस तरीके से देखते थे, स्टूडेंट का कितना प्यार मिल रहा था उस वक्त आपको? अच्छा ही था। अच्छा ही सेम मिल रहा था उसको, अच्छा ही मिल रहा था। मोहब्बत किन का ज़्यादा मिल रहा था, सर का या स्टूडेंट का? दोनों का। सर बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे थे होंगे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन दोनों का भी बोलता कोई दिक्कत नहीं था। सोनू हमेशा से एक बात कहता आया है कि हम डीएम बनेंगे, डीएम बनने का सपना है, और पढ़ाई जिस तरीके से सोनू कर रहा है यकीनन उसमें 4 चांद लग जाएगा। क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं? वो तो जो है धीरे धीरे चल रहा है, 7th में, उसके बाद 8th में, इस प्रकार से चल ही रहा है तो। यानी ये कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अच्छा, आगे और भी कुछ नया चीज करने वाले हैं? आगे और नया चीज क्या होगा, जैसे वही IAS का फर्स्ट गोल जो मेरा है, उसके बाद देखेंगे पास क्या होगा। नहीं, लेकिन सोनू बहुत बदल गया। यस नो? यस। अच्छा, इंग्लिश बड़ा अच्छा बोल देते हैं, सोशल मीडिया पे कई आपका वीडियो वायरल हो रहा, अगर हम शॉर्ट में आपसे कहें कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें तो किस तरीके से देंगे? माय नेम इज सोनू कुमार, माय फादर नेम रणवीर यादव, माय ग्रैंड फादर नेम इज रामाशीष प्रसाद यादव, आई लिव एट निमाकोल, I am studying in at Ellen Career Institute PVT.LTD, Kota Rajasthan. Kota Rajasthan. अच्छा, जब आप बिहार से कोटा राजस्थान गए, एलएन में गए, दिल मन वगैरह लग रहा था? हाँ,
कुछ थोड़ा अजीब भी तो लग रहा होगा घर से दूर इतना छोटे उनमें। कोई अजीब नहीं, कोई अजीब नहीं, सब अच्छा लग रहा था। आप जब बिहार आए हैं तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि चाचा का बड़ा रोल रहा है उस मुकाम तक पहुँचाने में, चाचा क्या कुछ कह रहे हैं? चाचा तो वही कर रहे भाई, उनका फर्ज था यही कर रहे हैं। और तो मुझे तो लगता है उनका जो मेहनत है वो सबसे ज़्यादा ही रहा है इस मुकाम तक पहुँचाने में। हाँ, क्योंकि अगर देखिए अगर वो नहीं होते तो थोड़ी ना कोई ले जाने वाला था, इधर उधर ही जा कर के रह जाते और क्या। यानी सोनू इधर उधर रह जाता है, ऐसा थोड़ी ना था। अरे बोल लेते, डिसाइड करना तो उन लोगों का था ना, अभी तो थोड़ी ना उतना अच्छा डिसाइडमेंट डिसीजन ले सकते थे। लेकिन मम्मी पापा ने जन्म दिया, चाचा का एक बड़ा रोल है इस मुकाम तक पहुंचाने में। तो मम्मी पापा तो अनपढ़ है ना भी, अनएजुकेटेड है, तो चाचा एजुकेटेड है तो वो जो है इस चीज को देखे, क्योंकि इन लोगों का क्या है कुछ नहीं। यानी आपकी क्वालिटी को चाचा ने बहुत नजदीकी से पहचान लिया। अब देखिए कई घरों में कौन सा ऐसा आदमी है जो कि कौन सा ऐसा चाचा है, मुश्किल घड़ी में सब साथ देता है, सब डबे करता है, सब जो है साथ देता है। लेकिन जैसे कौन ऐसा घर ऐसा है जिसमें कि कुछ कुछ ही घर होते हैं जिसमें कि चाचा जो है अपने भाई से नहीं लड़ता है, नहीं सब घर में तो पूरा लड़ाई होता है, लड़ाई हो भी ना करता है, यहाँ जो नहीं है तो ये तो अच्छा है। अच्छा एक बात और, जो ये सब बोलता है कि पहले चाचा कहाँ थे, तो एक बात बताइए आप लोग पहले कहाँ थे जरा ये बताइए। जब सोनू चमका तो सब लोग आने जब लगे। आप लोग कहाँ थे, मतलब आप जो है जब फायदा होगा तब आएंगे, आज जो घर वाला है जिसने इतना दिन तक जो है रखा वो कुछ नहीं है, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँ। उन लोग वो लोग जो है उनको जो है कम से कम पूरा चारों चक्का जो है समझ लीजिए खत्म हो गया, पूरा दिन रात चलता गाड़ी। जरा ऐसा कोई करेगा और कोई करवो करेगा तो कितना करेगा, पटना तक पहुँचेगा, एक रात से ज्यादा कुछ करेगा, नंबर स्कूल में लिखा देगा, इतना फीस दे देगा, इतना ही करेगा ना। आज जो पहुँचाने डिसीजन लेना था इतना बड़ा दिक्कतें आई वो सब जो है चाचे ने किया, और दूसरा कौन करने वाला था, दूसरा कोई है नहीं, कोई नहीं। अगर यूं कह लीजिए तो एक तरफ मम्मी और एक तरफ पापा, एक तरफ छोटा भाई और एक तरफ चाचा को खड़ा कर दिया जाए, तो सबसे पहले सोनू किसे गले लगाएगा और किसका मतलब आशीर्वाद लेगा? सबसे पहले देखिए मैं सभी का लूंगा, मेरा उस पर नहीं है कुछ भी। आप लेकिन ये कहिए कि जो उन्होंने जो मेरे लिए काम किया कि भाई किसी भी प्रकार जो है पहुँचाया उस जगह पर, वो तो ये है भाई। अगर सोनू का सपना पूरा हो जाता, ऐसा अगर रहता ना कोई भी घर में तो सब जो है जलता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गोतिया हमेशा जो है, गोतिया जैसे बिहार में जो कहा जाता है वो हमेशा जो है जलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे इस बात की खुशी है। जो लोग जो है ये कहते हैं, मैंने बोला ना नेगेटिविटी पे इलेक्ट्रॉन वाला वो जितना रहिएगा, मैंने वह क्या देख रहा हूँ, वो लोग बोलता है पहले कहाँ थे पहले कहाँ थे। अब जरा देखिए ये सब जो है ये चाचा थे ये पहले जो है जैसे मेरे छोटा भाई जो है ना इससे गिरा था नीचे, ऊपर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरा था। हाँ। ना पापा थे ना कोई था। हाँ। अगर वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे चाचा। हाँ। वो चाहते तो छोड़ भी सकते थे ना। हाँ। तो पहले भी मदद करते हैं। हाँ। पहले जो है ये कहिए कि इनके पास था भी क्या, क्या है आखिरकार, है क्या, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कॉलेज है, जमीन है, जायदाद है। अब जरा उस वक्त तो सात लोगों की कमेटी की सरकारी ना है। अच्छा। अपना अब अपना अगर जैसे प्रिंसिपल है उसमें। हाँ। तो प्रिंसिपल है, बाकी सात लोग भी उसमें साथ है ना। हाँ। वो सात लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसा थोड़ी है ना कि पूरा इनका ही है। अच्छा। मतलब सभी लोगों का है। सभी लोगों के हिसाब से है ना। हाँ। तो ये सब जो है अलग है सब। हाँ। अलग बात बोल। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। अगर करोड़पति है तो एक जरा बात बताइए, जब ये क्या बोलता है जब करोड़पति रहता है कुछ करता है, जिसके पास पैसा रहता है वो आखिरकार आगे बढ़ता है कभी, कुछ ही परसेंट बढ़ता है ना। चेहरे की मुस्कुराहट और सर पे पसीना, खूबसूरत बाल और बहुत बढ़िया, सब कुछ बदला, हर चीज़ बदल गई, लेकिन बात करने का जो अंदाज है यूँ कह लीजिए तो आपके दिल पे राज कर लेता है। और ऐसी ऐसी बात करता है
कि यकीनन इनके बातों को रुककर आपको सुनना पड़ेगा। और हमने जो इंटरव्यू किया, आप इस पूरे इंटरव्यू को देखिए, पूरे क्लिप को देखिए और एक एक बात को सुनिए कि सोनू ने किन किन बातों को बारीकी से बताया है, अपने परिवार के बारे, अपने चाचा के बारे, अपने स्कूल के बारे और हर कुछ के बारे इन्होंने बारीकी से अपनी बात को बताया है। इसी तरीके से सोनू खूब आगे बढ़े, तरक्की करे, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और सोनू का जो सपना है कि हमें IAS बनना है, DM बनना है और बहुत कुछ करना है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं सोनू आपको, खूब आगे बढ़े आप। थैंक यू सर। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।